सामने एक पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल का मतलब आपको पता है कि जहां पूरा एलिमेंट को हमने अरेंज कर रखा है। अब बोलोगे सर आप आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हो, ये पीरियोडिक टेबल आप क्यों दिखा रहे हो? मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा कि मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इस टॉपिक का कितना वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा। बट मैं एक बात आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है, इसे हर साल कोई भी एग्जाम, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, जेईई मेंस हो या एडवांस हो या नीट हो, हर में एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। ओके, तो आपको पूरी तरह क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है और ये कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख के जाओगे। चलो, तो मेरे सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है कि एलिमेंट को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है, हॉरिजेंटल के फॉर्म में और क्या वर्टिकल के फॉर्म में। देखो, आपको पता है कि जो हॉरिजेंटल है, जैसे देखो ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल, इसको पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और जो वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताओ? जो वर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वो आपने 9-10 में ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये पूरा एलिमेंट है, इसके अंदर मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। तो आपको आइडिया है कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, ये छोटे छोटे ऑलरेडी आपको आइडिया है। बट हम यहाँ क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एटम होता है, मतलब एलिमेंट का जो एटम होता है, उसका साइज कैसे वैरी करेगा। साइज का मतलब क्या होता है यहाँ? रेडियस। अभी हम जो बात करने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट, मतलब सपोज करो कौन सा एटम, सपोज करो लिथियम की बात करें, लिथियम का एटम या बेरिलियम का एटम या बोरोन का एटम या कार्बन का एटम या नाइट्रोजन का एटम या ऑक्सीजन का एटम, इनके साइज कैसे वैरी करेंगे, इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करें ग्रुप के अंदर अगर हम जाएंगे तो लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें या पोटासियम की बात करें, तो अगर हम ग्रुप में वैरी करेंगे तो साइज कैसे चेंज होगा, ये पूरा का पूरा हम लोग का आज का टॉपिक है कि यार साइज कैसे वैरी होता है। अगर आप पीरियड में चले जाओ लेफ्ट से राइट तो साइज पे क्या इंपैक्ट आएगा, अगर आप ऊपर से नीचे आ जाओ तो साइज पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, सपोज करो कोई भी एटम है तो बीच में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है जो मूव करते रहता है, जो रिवॉल्व करते रहता है। मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि एटम बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, तो एटम का जो रेडियस है, ठीक है, एटम का जो रेडियस है जिसको आप एटॉमिक रेडियस बोलते हो, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट सारा 10^-10 मीटर के फॉर्म में होता है, जिसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रम, मतलब इतना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है वो एंगस्ट्रम, मतलब उसका मतलब जो भी वैल्यू होगा वो 10^-10 के ऑर्डर में ही होगा। और जो न्यूक्लियस होगा उसका रेडियस जो है वो 10^-15 के ऑर्डर में होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है। सारे बच्चे को आइडिया है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते होता है। जिससे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो, ये एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अबाउट क्या कर रहा है, देखो रोटेट कर रहा है, आपको दिख रहा है क्या, ये रोटेट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा आपका, रोटेट कर रहा है। देखो, आपको दिख रहा है क्या, रोटेशन होते दिख रहा है क्या? बिल्कुल, देखो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। जैसे हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपका, रोटेट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, रोटेट हो रहा होगा आपका ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। चलो मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ कि कोई भी एटम होता है वो बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको सराउंड करके मूव करेगा। जैसे हम लोग का सोलर सिस्टम है कि बीच में सन है और बाकी जितने भी प्लैनेट है, मतलब वो तुम्हारा सन के अबाउट ऑर्बिट कर रहे हैं, आप इसको ऑर्बिट बोलते हो या आप सेल भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सेल भी बोल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं सर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सबको आइडिया है कि नहीं, जल्दी बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, सब लोग रिप्लाई करो, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, जल्दी बताओ क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करते होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, किसी के पास एक ऑर्बिट होता है, किसी के पास दो ऑर्बिट होगा, किसी के पास तीन ऑर्बिट होगा, जिसको आपने बचपन में पढ़ रखा होगा KLMN, ऐसा करके आपने पढ़ रखा होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे आपने हर चीज को पढ़ रखा है। चलो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि मान लो मेरे पास आपका सोडियम का एटम है, लेट्स से मान लो सोडियम का एटम है,
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? कोई मुझे बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, वो मेरे कोई मेरे को रिप्लाई करो, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? देखो सोडियम 11 11 है और इसका मास नंबर है 23। बोलो सर ये क्या होता है? सबसे पहले आते हैं कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये प्रोटॉन नंबर होता है। मतलब मेरा आपसे सवाल है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसमें प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। और ये एटम क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कोई इस पे चार्ज होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। कोई इस पे चार्ज होगा नहीं। न्यूट्रल का मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। ओके, अच्छा न्यूट्रॉन क्या होगा? तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले चीज से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर से, न्यूट्रॉन को लिए क्या करना है? ऊपर वाले को नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट कर देना, हम लोग को न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको बोलते हैं मास नंबर, इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आप अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। चलो मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहां मेरा सोडियम में कितना प्रोटॉन आ गया? 11 प्रोटॉन आ गया, 11 इलेक्ट्रॉन आ गया और 12 न्यूट्रॉन आ गया। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है। बोलेगे सर याद कैसे करोगे? तो एन का मतलब न्यूट्रल, एन का मतलब न्यूट्रॉन। तो सिंपल सा ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे, एन का मतलब न्यूट्रल, एन के थ्रू न्यूट्रॉन। ओके चलो, तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होगा? तो सिंपल सा बात है कि रहेगा सेंटर में, न्यूक्लियस में रहेगा 11 प्रोटॉन और रहेगा तुम्हारा 12 न्यूट्रॉन। और क्या होगा? आपका टोटल 11 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? ऑर्बिट करेगा। टोटल क्या करेगा? 11 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? ऑर्बिट करेगा। कैसे कैसे ऑर्बिट करेगा आपको पता है? 2 8 1, किसी को आइडिया है ना सबको कि पहला सेल में कितना रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और तीसरा सेल में आपका कितना रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये आपको पूरा अच्छे से आइडिया हो गया। चलो ठीक है, आके इसको बुझो। चलो ठीक है, चलो तो सिंपल सा है, टोटल वो तो टोटल इलेक्ट्रॉन है बाबू, वो टोटल इलेक्ट्रॉन है, उसके पीछे भी मत भागो, वो टोटल इलेक्ट्रॉन है, चिंता मत करो। मतलब आखिरी में सबसे ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, वो अलग चीज है, उसको लेके हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक बात आपको समझ में आ गया। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? किसी को डाउट? किसी को डाउट? दामू, अविराज, आस्था, मुनाफ, प्रकाश, प्रमाण, प्रमाल, प्रवासा, सृजीत, किसी को डाउट? ओके, तो ये बात आपको समझ में आई? सर ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा ये हम लोग को जो है वो समझ में आ गया। अच्छा उसी तरह आप सोचो कि मान लो मैं मैग्नीशियम ले लूं, ठीक है, क्लियर है? मान लो हम लोग मैग्नीशियम ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 12 और मास नंबर है 24। तो बताओ प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा? जल्दी बताओ क्या क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रोटॉन कितना होगा यहाँ? जितना एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन कितना होगा? कितना होगा? इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होगा, न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन भी कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? 12 होगा। अच्छा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन के अबाउट क्या होगा? टोटल आपका 12 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हो क्या रहा होगा? ये प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है? जल्दी बताओ, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है? प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल ओके, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इंटरआयनिक फोर्स, ठीक है। हाँ मतलब अट्रैक्शन नहीं, इंटर, उसको कुलम्बिक फोर्स बोलते हैं बाबू। इंटर आयनिक फोर्स अलग चीज है, सिंपल सा एक कुलम्बिक फोर्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स होता है वो उसको अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? समय है ना, किसी को डाउट यहाँ तक? तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या हो रहा है? यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? डाउट? ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मान लो अब हम बात करते हैं, चलो अब हम बात करते हैं कि सर हम लोग के पास है लिथियम। मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। सर हम लोग के पास क्या है? बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। ओके, हम लोग के पास है आपका बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। अच्छा उसके बाद हम लोग का कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। तो हम लोग को पता करना है कि कौन से एलिमेंट का साइज छोटा होगा, कौन से एलिमेंट का साइज, मतलब कौन से एटम का साइज छोटा होगा, कौन से एटम का साइज बड़ा होगा, ये हम लोग को पता करना है। अच्छा एक बात बताओ,
सपोज करो हमारे तुम्हारे बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो हम दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। अगर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो डिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। और अगर अगर रिपल्सन होगा तो डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बिल्कुल रियल लाइफ से समझते हैं, रियल लाइफ से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कोई किसी से अट्रैक्ट होता है तो डिस्टेंस करीब आएंगे, अगर कोई रिपेल करेगा हेट करेगा तो दूर जाएगा। तो सब कुछ क्या है रियल लाइफ में, सब कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के वो रियल लाइफ से ही इंस्पायर होते हैं। ओके चलो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। देखो इसके अंदर आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.1, इसका क्या होगा 2.2, इसका क्या होगा 2.3, इसका क्या होगा 2.4। देखो ये मैंने आपको क्लास 9-10 के अकॉर्डिंगली बताया है, लेटर ऑन हम लोग और तरीके से पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। ओके चलो इसमें बताओ कितना प्रोटॉन होगा, जल्दी बोलो। इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत? इसमें 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका 5 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके। 6 प्रोटॉन है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम समझते हैं यहाँ कितना सेल है, जल्दी बताओ यहाँ कितना सेल है। यहाँ 2 रूम है, यहाँ भी 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 2 रूम है। अभी सोचो 2 क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 2 टॉपर बैठा हुआ, सब में 2-2 टॉपर बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर को बैठा देते। अब क्या है नया नया बच्चे को अपने जोड़ देते, ऐसा सोचो एक रूम में एक बच्चे को जोड़े, एक रूम में 2 बच्चे को जोड़ देते हैं, एक रूम में 3 बच्चे को जोड़ देते हैं, एक रूम में तुम्हारा 4 बच्चे को जोड़ देते हैं। मतलब सब में रूम 2 ही है, सब में 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, ओके इसमें भी 2 सेल है, ओके ठीक है इसमें भी 2 सेल है, ओके। चलो अब समझते हैं लिथियम का, लिथियम का कैसा होगा। लिथियम में क्या होगा 3 प्रोटॉन मिलके क्या कर रहा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होगा, ओके। आगे बेरिलियम में क्या होगा, 4 प्रोटॉन मिलके 4 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होगा, ओके ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया। अच्छा उसी तरह बोरोन में क्या होगा, 5 प्रोटॉन मिलके 5 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होगा। और उसी तरह कार्बन में क्या होगा, कार्बन होगा 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होगा। सब में सेल 2 ही है, सब में 2 ही सेल है, कोई दिक्कत नहीं, सब में मैंने एक साथ पूरा बना दिया है, सब में 2 ही सेल होगा, सब में 2 सेल है। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि सेल तो सब में फिक्स है, सेल सब में फिक्स है, सेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तुम ऑब्जर्व नहीं किए, यहाँ 3 प्रोटॉन क्या कर रहा है खींच रहा है, यहाँ 4 प्रोटॉन खींच रहा है 4 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 6 प्रोटॉन खींच रहा है 6 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ 5 प्रोटॉन खींच रहा है 5 इलेक्ट्रॉन को। तो आपने पढ़ा होगा कि जो फोर्स होता है वो चार्ज का मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब यहाँ 3 प्रोटॉन है, यहाँ 4 प्रोटॉन है, यहाँ 5 प्रोटॉन है, यहाँ 6 प्रोटॉन है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कहाँ होगा, न्यूक्लियर के प्रति, मतलब टुवर्ड न्यूक्लियस किधर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा माय डियर, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा, 6 वाले केस में या 4 वाले केस में या 3 वाले केस में, नॉर्मल सोच के बताओ, 6 वाले केस में क्यों, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो, सिंपल सोचो। ये तो तुम्हारा क्या है 2 ही सेल है, तो हम जो देखेंगे अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे, या 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, अरे भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। यहाँ क्या हो रहा है 3 ही प्रोटॉन है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। सेल नंबर तो फिक्स है, तो अगर सेल नंबर फिक्स है इसका मतलब क्या होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा साइज छोटा होगा या बड़ा होगा, जल्दी बोलो। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। आस्था क्लियर है तुम्हारा, दामू क्लियर है, प्रकाश, सिंपल सा, जितना ज्यादा। अच्छा लेकिन बोलते सर अगर ऐसा होता कि मान लीजिए अगर हम अभी देखो तुरंत मैं समझाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। मान लो सर आप सोचो कि लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, सर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है क्लियर है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 19 है। तो अभी सर बोलोगे सर इस केस में तो 19 प्रोटॉन है, इस केस में 11 प्रोटॉन है, इस केस में 3 प्रोटॉन है, तो सर इसका तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए। मेरे भाई इसमें सेल नंबर ही चेंज हो गया, इसमें कितना है 2 सेल है, इसमें कितना है 3 सेल है, इसमें 4 सेल है, तो ऑब्वियस बात इसमें सेल ही चेंज हो गया है, तो सेल चेंज हो गया मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, सेल नंबर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, जल्दी बोलो, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तुम्हारा है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा काउंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं काउंट हो रहा है? क्योंकि भाई सेल नंबर ही तुमने चेंज कर दिया है। अगर सेल नंबर, अगर सेल नंबर फिक्स होता, बोलते कि चलो हम दोनों का डिस्टेंस, मतलब सपोज करो कि दो रूम का डिस्टेंस फिक्स है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना न्यूक्लियस के प्रति इसका अट्रैक्शन होगा, टुवर्ड न्यूक्लियस इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर, दैट्स व्हाई साइज विल डिक्रीज। लेकिन अगर ग्रुप होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप में तो सेल ही नंबर चेंज हो रहा है, एक में दो रूम है, एक में तीन रूम है, एक में चार रूम है। तो हमने अब एक जनरलाइज कर देते हैं जिसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, कि भाई साहब अगर आप पीरियड में जाइएगा, अगर आप पीरियड में जाइएगा तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बोलो, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बताओ, साइज छोटा होगा बड़ा होगा? साइज क्या होगा? जल्दी बोलो, साइज क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा? डिक्रीज। और अगर ग्रुप में जाओगे तो ऊपर से नीचे क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज। अच्छा चलो, अच्छा रीजन फिर से देख लेते हैं। पीरियड में क्या हो रहा है? सेल नंबर फिक्स है, सेल नंबर क्या फिक्स है, तो क्या चेंज हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। अच्छा, अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? जेड इफेक्टिव, समझ लो। इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे हम लोग, मतलब केमिस्ट्री के टर्म में क्या बोलेंगे? जेड इफेक्टिव। फिजिक्स के टर्म में अट्रैक्शन फोर्स ऐसा बोल सकते हैं, मतलब आप दोनों बोल सकते हैं, आपका चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब अट्रैक्शन बढ़ना या घटना? जल्दी बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ना मतलब अट्रैक्शन बढ़ना या घटना? भाई अट्रैक्शन बढ़ जाना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो फिर से बोलो, अगर पीरियड की तरफ जाएंगे तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? अगर पीरियड लेफ्ट से राइट, छोटा होगा। अगर आप लेफ्ट से राइट, चलो बिल्कुल लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज छोटा होगा। कोई रीजन पूछेगा तो बताओ, बोलोगे सर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ओके, अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? भाई साहब सेल नंबर ही बढ़ जा रहा है। ओके, आया मजा? क्लियर है? तो एक बात तो हम लोग को समझ में आ गया सर, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे साइज क्या होगा? छोटा होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। देखो लिथियम का देखो इतना बड़ा है, बेरिलियम का फिर छोटा है, फिर छोटा है, छोटा है, छोटा है, ओके छोटा, देखो फिर से छोटा, फिर से छोटा, ओके। इधर लिथियम, लिथियम सोडियम पोटासियम को देखो, लिथियम का ये है, पोटासियम का थोड़ा बड़ा हो गया, सोडियम का थोड़ा बड़ा हो गया, पोटासियम का और बड़ा हो गया, रुबिडियम का और बड़ा हो गया, सीजियम का और बड़ा हो गया। तो सिमिलरली ये हमने एक बेसिक ऑब्जर्वेशन कर लिया कि भाई आप पीरियड की तरफ जाओगे मतलब लेफ्ट से राइट तो साइज घटेगा, और ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज घटेगा या बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को डाउट? किसी को डाउट? चलो निशु, प्रकाश, दामू, आस्था, मुना, बोलो बोलो बोलो, हीटिंग इफेक्ट क्या भाई? हीटिंग इफेक्ट क्या? हीटिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है यहाँ, जेड इफेक्टिव, यहाँ जेड इफेक्टिव, ठीक है, क्लियर है? जेड इफेक्टिव माय डियर, जेड इफेक्टिव, मैं जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो अब हम लोग थोड़ा और मजेदार करते हैं सीन को। चलो, तो मैंने आपको बताया कि भाई एटॉमिक साइज, बोलो साइज का मतलब क्या है? देखो साइज हो या एटॉमिक रेडियस हो, साइज हो या एटॉमिक रेडियस हो, देखो साइज हो या एटॉमिक रेडियस हो, सबसे पहले क्या दोनों का मीनिंग क्या है समझो। एटॉमिक रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सा, ये न्यूक्लियस है और ये सोचो कि बहुत सारा ऑर्बिट है, ठीक है? तो सबसे आखिरी वाला जो ऑर्बिट है उसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्लियर है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होगा बोलेंगे आउटर मोस्ट। तो जो सेंटर से, जो न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट का डिस्टेंस है ना भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे उसी को? हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। तो जितना साइज होगा उतना क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगा। किसी को दिक्कत है? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? ऑब्वियस बात है ना, जिसका साइज बड़ा होगा रेडियस भी बड़ा होगा, बहुत कॉमन सा है। तो ये एक बात हम लोग को समझ में आ गया। अब हम इस गेम को थोड़ा सा मजेदार बनाते कि सर अब चलो थोड़ा मजेदार बनाओ। मान लीजिए आपके पास सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। अब आप एक काम करो, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल दीजिए एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। और
मास नंबर कभी चेंज नहीं होगा, एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा मेरे को बताओ? क्योंकि जो मास नंबर का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से हम लोग न्यूट्रॉन कभी नहीं निकाल सकते। मेरे को बताओ, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को कभी भी परेशान नहीं कर सकते, कभी उसको छेड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ क्यों हम उसको परेशान नहीं कर सकते? भाई साहब जल्दी बताओ क्यों नहीं? नहीं, एलिमेंट का बात नहीं, मतलब और थोड़ा बोलो यार, मतलब थोड़ा सा और सिंपल बोलो। एलिमेंट विल चेंज, ठीक है, अंदर है बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर फोर्स है। तभी तो न्यूक्लियर बम डरा रहा है ना पूरी दुनिया। क्या है उसके अंदर? न्यूक्लियर फोर्स है। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूट्रॉन और प्रोटोन के बीच में क्या लगता है भाई लोग, क्या लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ओके ठीक है, चलो, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटोन कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या चेंज होगा? चलो, यहाँ प्रोटोन था 11, यहाँ इलेक्ट्रॉन था 11, न्यूट्रॉन था 12। यहाँ क्या होगा? यहाँ प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन कभी चेंज नहीं करेगा, न्यूट्रॉन कभी चेंज नहीं करेगा। ओके ठीक है, तो क्या चेंज करेगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन कमेगा या घटेगा जल्दी बताओ? यहाँ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, बिकॉज आपने पॉजिटिव बनाया है, इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब सोचो, अब मैं आपको लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ, लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो ये अपना टग ऑफ वॉर है, मान लो दो बच्चे हैं, इधर एक आरसीएन है और इधर अपना नॉन आरसीएन, ऐसा सोचो। यहाँ है 11 प्रोटॉन, यहाँ है 11 इलेक्ट्रॉन। ओके ठीक है, अभी दूसरे केस में, दूसरे केस में चलो, यहाँ 11 प्रोटॉन है और इधर आपका 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 आदमी है, तो टग ऑफ वॉर में गेम किधर जाएगा? इधर किधर जाएगा? अट्रैक्शन किधर ज्यादा होगा? कौन ज्यादा पुल करेगा? आरसीएन ज्यादा पुल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहा है, भाई ज्यादा खींचा जाएगा इधर, और यहाँ 11 प्रोटॉन 11 को खींच रहा है। तो मेरे को बताओ किधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? केस वन में ज्यादा होगा या केस टू में ज्यादा होगा? किधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सोच के बताओ। ये न्यूक्लियस, सोचो, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट है। तो मेरे को बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सेकेंड वाले केस में या फर्स्ट वाले केस में? सोच लो, अच्छे से सोचो। सेकेंड केस में ना भाई, 11 भाई, सोचो, हाँ सोचो ना यार। मान लो जिसने फर्स्ट बोला, सोचो कि तुम्हारा वॉर हो गया किसी दूसरे गैंग से, तो पहला गैंग में 11 लोग हैं, दूसरे वाले गैंग में 11 लोग हैं, तो एक आदमी को मार रहा है, या एक गैंग में 11 लोग हैं, दूसरे गैंग में 10 लोग हैं, और ज्यादा मारेगा उसको, है ना? ऑब्वियस ही बात है ना यार, तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा, मतलब अपनी तरफ और खींच खींच के लोग मारेंगे। तो यहाँ क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज छोटा होगा या घटेगा? जल्दी बोलो, साइज छोटा होगा या घटेगा? जल्दी बताओ, छोटा होगा। साइज छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन नंबर सेम है, सेल नंबर भी सेम है, फर्क क्या बचा? फर्क बचा भाई, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचा है और यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, साइज उतना छोटा होगा। तो मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ कि अगर आप केटायन बनाते हो किसी एलिमेंट का, तो साइज डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? जल्दी बोलो, साइज डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? जल्दी बताओ, साइज डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा भाई लोग? जल्दी बोलो, बताओ जल्दी से। आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ वी आर मेकिंग अ केटायन, अगर हम एक केटायन बना रहे हैं तो साइज विल डिक्रीज और इंक्रीज? जल्दी बताओ, जैसे यहाँ हमने देखा कि अगर हमने सोडियम प्लस बनाया, तो सोडियम प्लस बनाने से हम लोग का इलेक्ट्रॉन घट गया, प्रोटॉन नंबर सेम है, so जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज एंड साइज विल डिक्रीज। तो सिमिलरली वी कैन से कि अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो अगर हम केटायन बनाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जल्दी बताओ, साइज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज। बोल सकते हैं क्यों? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, बोल सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, बोल सकते हैं? वी कैन से ये सर, जल्दी बोलो, बोल सकते हैं ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ओके, सो अगर हम और ज्यादा केटायन बनाए, अगर सोचो कि हमने और केटायन बना दिया, और ज्यादा केटायन बना दिया, लेट से, तो साइज और डिक्रीज करेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? बिल्कुल, और क्योंकि क्योंकि प्रोटॉन तो कभी चेंज नहीं होगा ना भाई, प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा, जो चेंज होगा कि इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। तो जितना ज्यादा टग ऑफ वॉर में एक साइड लोग ज्यादा होंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप केटायन बना रहे हो, केटायन या एनायन कुछ भी हो, इसको बोलते हैं आयन, इसको बोलते हैं आयन, इसको बोलते हैं आयन, ठीक है ना? तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप केटायन बनाओगे
तो साइज विल डिक्रीज बिकॉज जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है. क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका डिक्रीज कर रहा है. बिल्कुल, ओके, वेरी गुड. चलो अब हम थोड़ा सा और इसको इंटरेस्टिंग बनाते, थोड़ा सा और मजेदार बनाते कि सर अब थोड़ा सा आप उल्टा करो यार, अब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, आप एनायन बना दो, अब क्या करोगे? अब थोड़ा सा आप एनायन बना दो, अपने आपने प्रोटॉन, अभी सोचो क्लोरीन है आपके पास, अभी सोचो क्लोरीन है, अब आप इसको सीएल माइनस बना दो. तो निगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है? पॉजिटिव को हम लोग केटायन बोलते हैं. ओके, ठीक है, क्लियर है? चलो तो एक काम, क्लोरीन का एटोमिक नंबर है 17, मास नंबर 35, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इधर ये सेम रहेगा, सीएल माइनस का मास नंबर भी सेम रहेगा. तो यहाँ प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन है 17 और आपका मास मतलब न्यूट्रॉन है 18, दोनों मिला के आपका 35 होना चाहिए. उसी तरह यहाँ प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितना होगा जल्दी बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, रिप्लाई करो आप लोग, इलेक्ट्रॉन 18 होगा. इलेक्ट्रॉन एड, एनायन का मतलब एड, ए से एनायन मतलब एड, ए का मतलब एड. मैं आपको अल्फाबेट से सब कुछ पढ़ा सकता हूँ केमिस्ट्री के अंदर, मतलब मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर अल्फाबेट से रिलेट करके हर कुछ पढ़ा सकता हूँ. ओके, सो एनायन, ए फॉर एडिशन, ए फॉर एनायन. ओके चलो, ऐसे करके सोच सकते हो, यहाँ न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन विल बी सेम, न्यूट्रॉन तो कोई चेंज नहीं होगा न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन से हमें तो लेना देना नहीं है. क्यों लेना देना नहीं जल्दी बताओ, न्यूट्रॉन से क्यों लेना देना हमें नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज. बिल्कुल, N4 न्यूट्रॉन, N4 न्यूट्रल, N4 न्यूट्रॉन, N4 न्यूट्रल. चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, साइज को लेके देखते हैं. चलो यहाँ 17 लोग मिलके 17 लोगों को मार रहे हैं, इधर देखो टग ऑफ वॉर खेलो, टग ऑफ वॉर खेलो, 17 प्रोटॉन मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है. ओके चलिए कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा में 17 लोग मिलके 18 लोग को खींच रहे हैं. अब मेरे को बताओ यहाँ उल्टा केस हो जाएगा ना यार, जल्दी बोलो यहाँ उल्टा केस हो जाएगा ना, जल्दी बताओ. अरे यार यहाँ तो उल्टा केस हो जाएगा, बोले कि सर यहाँ 17 लोग मिलके 17 को मार रहे थे, ठीक है, अभी गैंग में तो एक लोग एक्स्ट्रा बढ़ गया, अब तो ये उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जल्दी बताओ, रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रिप्लाई माय डियर. यस, इट विल इंक्रीज. बिल्कुल, सो रिपल्सन विल इंक्रीज, रिपल्सन मतलब गेम उल्टा हो जाएगा. तो अब बताओ साइज बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बोलो, साइज बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा. बिल्कुल, तो आप बोल सकते हो कि एनायन के केस में साइज विल इंक्रीज बिकॉज रिपल्सन विल बी देयर, इन केस ऑफ केटायन साइज विल डिक्रीज. सो मैं यहाँ आपको एक बहुत ही प्यार से अपने डिस्कस कर सकते हैं कि सर अगर सोचिए कि हम लोग के पास कोई एलिमेंट है जिसका एलिमेंट ए बोल दिए, इसमें जो रेडियस होगा इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर हम जो वर्ड यूज करते हैं एटॉमिक रेडियस. अब मैं इससे क्या करूं सर, आप एक केटायन बना लो, इसको बोलेंगे आयोनिक रेडियस, मतलब आयन के अंदर जो रेडियस होता है उसको आयोनिक रेडियस बोलते हैं, और आप एनायन बना लो, अब साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर आप केटायन बनाओगे, अगर आप केटायन बनाओगे तो साइज क्या होगा जल्दी बोलो, साइज क्या होगा जल्दी बताओ, साइज क्या होगा, साइज विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ जा रहा है, साइज डिक्रीज. अच्छा अगर हम एनायन बनाएंगे तो साइज विल इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज. ओके ठीक है, क्लियर है? फिर से देखते हैं, अगर आप केटायन बनाओगे तो साइज विल इंक्रीज या डिक्रीज? रिप्लाई करो, एरो नीचे दूं या ऊपर दूं? एरो नीचे दे देता हूं, साइज विल डिक्रीज. ओके, और आप अगर एनायन बनाओगे तो साइज इंक्रीज या डिक्रीज? जल्दी बोलो, एरो ऊपर या नीचे? इंक्रीज. ओके अच्छा, तो चलो मेरे को एक छोटा सा प्यारा सा और क्वेश्चन बता दो जो जेई में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, कि सर मेरे पास आयोडीन है और आई प्लस है, आई माइनस है, थोड़ा साइज बता दो सर आप जल्दी से, किसका साइज ज्यादा होगा, एटॉमिक आयनिक रेडियस ज्यादा किसका होगा, कम किसका होगा, पूरा ऑर्डर बताओ जल्दी से, ऑर्डर बताओ, किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा, रिप्लाई करो सर. आई प्लस का साइज बड़ा होगा, फिर सोचो, आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से गलत मत करो. I plus is the least, then I, then I minus. Okay, so कितने लोगों का आंसर आ गया? कैशन, सोडियम एंड सोडियम एनियन. चलो रेज योर हैंड, जिनका करेक्ट हुआ ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ रेज योर हैंड, जिन्होंने भी करेक्ट किया रेज योर हैंड. ओके, दम ऑनेस्टी के साथ अपने हाथ उठाने हैं. ओके चलो चलो ठीक है, तो यहाँ यहाँ सिंपल सा, ये नीट में भी आया हुआ है और ये जेई में भी आया हुआ है,
मेरा रिकॉर्ड रहा है आज तक कि मेरे कॉपी से कोई ऐसा क्वेश्चन बाहर नहीं आया, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो नीट हो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या आप एक्साइटेड हो करने के लिए? यस नो? करे क्या? हाँ या ना, जल्दी बोलो। जो ये सही करेगा, जो ये सही करेगा उसको मेरे साइड से 20 रुपीज मिलेगा। सुन लो, 20 सुनना, 20,000 मत सुन लेना यार। लास्ट टाइम मैं ये क्यूज करवा रहा था, किसी ने 10 की जगह 10,000 सुन लिया। बोला राजीव भी आप तो 10,000 बोल दिए थे, हमारे कोऑर्डिनेटर को किसी ने बताया सर आपने 10,000 बोल दिया था क्या? मैं बोला नहीं नहीं, 10,000 नहीं बोला था, 10 रुपीज बोला था। ओके सर, 20 रुपए का आप लोग के लिए, आप लोग का स्पेशल हो तो आप लोग के लिए 20। तो मेरे पास है एच, मेरे पास है एच प्लस, मेरे पास है एच माइनस। जो बताएगा मुझे चैट में पर्सनली रिप्लाई करो चैट के अंदर, ताकि मैं उसका सही मान सकूं। चाहे पहले बता दो, जो पहले बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी। साइज किसका साइज बड़ा होगा? चलो किसका साइज बड़ा होगा चैट में रिप्लाई करो, चैट में रिप्लाई करो, वरना सब देख लेंगे। चैट में, चैट में, चैट में रिप्लाई करने का। हाँ जल्दी करो, एच एच प्लस एच माइनस किसका साइज सबसे बड़ा, मतलब पूरा ऑर्डर बताओ, पूरा ऑर्डर बताना है, पूरा ऑर्डर बताना है, पूरा ऑर्डर बताओ, पूरा ऑर्डर बताओ भाई। इतना इजी है, जल्दी करो यार। एच प्लस एच एच माइनस, अच्छा और एच प्लस, एच प्लस क्या प्रकाश, क्या मतलब पूरा ऑर्डर बताओ यार, मतलब डिक्रीजिंग से कियो, इंक्रीजिंग से कियो, क्या कियो, बताओ पूरा बताओ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, पहला आंसर आस्था ने दिया है, चलो आस्था को मिलेगा। चलो ठीक है आस्था, कोऑर्डिनेटर के साथ अपना पेटीएम नंबर शेयर कर देना। चलो ठीक है, तो सबसे छोटा होगा एच प्लस, फिर होगा एच, फिर होगा एच माइनस। ओके क्लियर है? चलो कितने लोगों का सही निकला? कोई बात नहीं, प्राइस जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सही होना इंपॉर्टेंट है। कितना लोगों का सही? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तो ये भी क्वेश्चन आपका जेई और नीट में आया हो। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। देखो आईआईटी नीट टफ नहीं होता है, टफ हम बना देते हैं, ठीक है ना, टफ हम बना देते हैं। जो आपको पढ़ाने का जो तरीका वो इंपॉर्टेंट है, टफ कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा और खेलते हैं। सर थोड़ा आप एक काम करो ना, मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट है, आप एक बार एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दो, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 पॉजिटिव हो गया। तो बताओ एक बार इलेक्ट्रॉन एक ऐड करो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन A2- ऐड कर दो, तो बताओ साइज, पूरा साइज का ऑर्डर बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा। तो याद रखो जल्दी, अच्छा तुम लोग पहले ट्राई करो, पहले तुम लोग ट्राई करो, किसका साइज बड़ा होगा? A2- A2- में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा रिपल्शन, फिर उसके बाद A, so that is, उसके बाद A plus, which would have maximum number of electrons, yeah, yeah, that would have, बिल्कुल ठीक है, maximum number atomic of electron, radius, बिल्कुल maximum number of electron, maximum will be radius, m for m, ठीक है समझा। उसके बाद जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज, मिनिमम विल बी द रेडियस। ओके तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अच्छा चलो एक एग्जांपल बताओ, मेरे पास है आयरन है, मेरे पास है आयरन प्लस, मेरे पास है आयरन 2+, मेरे पास है आयरन 3+, इसको बोलते हैं फेरस, दिस इज कॉल्ड फेरस, दिस इज कॉल्ड फेरिक। ओके ठीक है, क्लियर है? चलो ओके, सो अरेंज द फॉलोइंग, साइज बताओ जल्दी से, साइज बताओ फटाफट, साइज बताओ जल्दी से, साइज बताओ, साइज बताओ। व्हाट इज द जो दिया, आई मीन व्हाट इज द गिवन ऑर्डर, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके ओके ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर, चेंजिंग द ऑर्डर। Okay, okay. So iron will be maximum, then iron plus, okay, then iron 2+, then the iron 3+. Okay, more positive charge, more will be the attraction force toward nucleus, because proton number will be same, proton same होगा, electron decrease करेगा, तो J defective क्या होगा, increase करेगा। किसी को दिक्कत, कोई doubt, आप NCERT जाके पढ़ो, आपको सब मतलब ये जितना मैंने पढ़ाया उसको मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ सकते। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और मजेदार से, मेरे पास है C4-, मेरे पास है N3-, मेरे पास है O2-, मेरे पास है F-। सबसे पहले आप एक काम करो, एक तरफ लिखो प्रोटॉन और नीचे लिखो इलेक्ट्रॉन, जल्दी करो, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो फटाफट, जल्दी करो, जल्दी करो। ऊपर प्रोटॉन कितना होगा, इसमें प्रोटॉन बताओ, प्रोटॉन कितना होगा इसके अंदर, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, तो 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 10, इलेक्ट्रॉन 10, 4 ऐड कर दो, 4 माइनस का मतलब 4 ऐड कर दो, 4 पॉजिटिव का मतलब सबट्रैक्ट,
यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितना है जल्दी बोलो, यहाँ प्रोटॉन कितना है 7, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, अच्छा यहाँ प्रोटॉन कितना है 8, इलेक्ट्रॉन कितना है 10, सर एवरीथिंग इज 10, ओके वेरी गुड, ओके सो ऑल आर 10, तो अगर केमिस्ट्री के अंदर या दुनिया में कोई भी चीज अगर सब में इलेक्ट्रॉन सेम हो, मतलब केमिस्ट्री के अंदर ही ऑब्वियस सी बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन सब में सेम होगा, अगर सब में इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ध्यान से फिर से सुनो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को दिक्कत है? जो इलेक्ट्रॉन सेम कंटेन करता हो उसको बोलते हैं आइसो, आइसो का मतलब होता है इक्वल और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, सब लोग बताओ, सब लोग अनम्यूट करके मेरे साथ बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो ठीक है। अब आते हैं मजेदार तरीके से, 6 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है यहाँ, 7 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ओके, 8 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और 9 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? जल्दी बोलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी बोलो, फोर्स नौ वाले, नौ प्रोटॉन क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, 6 प्रोटॉन थोड़ा कम खींचेगा। तो इसका मतलब यहाँ जेड इफेक्टिव सब, बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, सो प्रोटॉन अगर इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बोलो, साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी बताओ, साइज छोटा होगा, छोटा होगा। सो वी कैन से F minus will be smaller than the O2 minus than the N3 minus than the C4 minus. So we can also say कि जो atomic radius होगा, मतलब ionic radius बोलते हैं, atomic radius नहीं use करते हैं, because ion के लिए atomic radius will be not good word, ionic radius will be good word. So atomic radius will be inversely proportional to atomic number, क्या हम बोल सकते हैं? जल्दी बोलो, बोल सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि अगर isoelectronic है, अगर isoelectronic है, so electron will be same, so increasing atomic number will increase proton number, so increasing proton number will increase jet effective and increasing jet effective will decrease size. Clear है? जल्दी बोलो, clear है? हाँ या ना? Clear है? जल्दी बोलो, clear है? So again we can repeat, again I can repeat the same thing कि अगर isoelectronic है, अगर isoelectronic है, सोचो if isoelectronic, अगर isoelectronic है, so we can say कि size will be inversely proportional to atomic number अगर isoelectronic है तो। क्यों? क्योंकि electron will be same, so proton increases, J defective increases, so size will decreases। किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? चलो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो one question again, yeah, say sir, that is isoelectronic, that the name you told so that is isoelectronic species, so that is any atoms what called octet state can be told, means we can say that octet state is total, also one type of you can say total number of electrons. Whenever I'm saying isoelectronic species, so you can count total number of electrons. Okay, so if total number of electrons, that is what called octet state, what we saw there, that can be different, possible in octet state only. No, that is different. In a period, definitely you can say that will be octet, because if you add neon, so definitely all will contain the same 10 electron, right? So obviously in one period, it will be similar to the noble gas configuration, right? Okay. Yes, sir, that is octet state. Yeah. Okay. So octet, you can't say differently. You can say octet state, okay. But isoelectronic, in simple word, you can say the same number of electron, because just suppose this is inorganic chemistry, but just suppose if we are teaching organic chemistry, in that case there will be the compound one, so in compound you can't say the octet rule, right? So that is why I'm not using octet rule, I'm just saying same number of electron. Okay, got it? Yes sir. Okay, chalo next, chalo ab ye tum karoge, so aap karoge to chalo mere paas hai sodium plus, okay, मेरे पास है मैग्नीशियम 2+, ओके,
ठीक है, अब मेरे पास है एल्यूमिनियम 3+, अब मेरे को साइज कंपेयर करके बताओ जल्दी से फटाफट, ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं नहीं बता रहा, जल्दी आप लोगों को बताना है, जल्दी करो फटाफट, ये मैं नहीं बता रहा सर, दैट इज Al3+ देन Al2+ देन Na+, साइज साइज किसका बड़ा होगा, व्हिच विल बी द मैक्सिमम साइज, Al3+ Al3+ एनीवन एल्स, द मैक्सिमम साइज विल बी Na+, ओके मैक्सिमम साइज, क्यों ये पहचान क्या है, क्या है पहचान रहे हो क्या है ये, दीज आर क्या, सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 है, दीज आर कॉल्ड व्हाट, क्या है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो साइज क्या होगा, जितना ज्यादा यहाँ प्रोटोन 11 है, यहाँ कितना है 12 प्रोटोन है, यहाँ 13 प्रोटोन है, सो विच विल कंटेन मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स, विच कंटेन मैक्सिमम अट्रैक्शन, 13 प्रोटोन, ओके सो साइज विल बी लीस्ट, मोर एटॉमिक नंबर, मोर एटॉमिक नंबर साइज विल लीस्ट, मैंने ट्रिक भी आपको बता दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एटॉमिक नंबर, क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, चलो अब इस साल का जेई का क्वेश्चन कर लो, जेई मीन्स 2020 का क्वेश्चन आप कर लो, आप खुद कर सकते हो, मैं बता देता हूँ, C4- है, N3- है, O2- है, F- है, N8+ है, Mg2+ है और Al3+ है, पूरा अरेंज करो, ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में आया है, ऑनलाइन मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, आरसी का जो चैनल है राजीव क्लासेस का वहां भी अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं, चलो वी आर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट हम लोग इंडिया में होते हैं जो हर साल नीट का सॉल्यूशन सबसे पहले निकालते हैं, ये हम लोग क्लेम भी करते हैं, और जेई का भी सॉल्यूशन हम लोग जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको भी हम लोग निकालते हैं, चलो आगे तो बताओ सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या, सबको पहचानो क्या है ये, जल्दी बोलो पहचानो क्या है ये, जल्दी बोलो पहचानो क्या है ये, सोडियम, पूरा पहचानो क्या है, आइडेंटिफाई क्या कॉमन है इन सब में, क्या कॉमन है, आइडेंटिफाई एग्जैक्टली एवरीवन इज आइसो इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, सो ऑल आर, जल्दी बोलो ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक, सो साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, साइज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, सो लीस्ट विल बी एल्युमिनियम 3+, फिर क्या उल्टा कर दे पूरी तरह, इसको यही लिख देते हैं, ये 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 ये, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो किसी को दिक्कत है, हाँ ना, जल्दी बोलो, अच्छा अब आपके दिमाग में एक चीज बहुत ही कॉमन आएगा कि सर इसके अंदर तो सेल नंबर चेंज हो रहा है, इसके अंदर तो सर ये तो सेकेंड पीरियड का है, ये तो थर्ड पीरियड का है, माई डियर आप अगर देखोगे तो सेम इलेक्ट्रॉन है तो सब में सेल नंबर भी तो सेम हो जाएगा ना, अरे भाई सब में तो सेल नंबर भी तो सेम हो जाएगा ना, तो सेल नंबर का यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात है जेड इफेक्टिव, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि सर सोडियम तो थर्ड पीरियड का है, लेकिन माई डियर सोडियम से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो अब तो दो ही सेल बचा ना इसके पास, क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, ओके सो दैट इज व्हाई सेल नंबर इज नॉट लाइक प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग साइज कंपैरिजन, एक्सक्यूज मी सर, जेड इफेक्टिव, या टेल मी, या सो हाउ कार्बन कैन हैव 10 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ देखो जस्ट सी 6 इलेक्ट्रॉन पहले से था तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, कार्बन डजंट सर, कार्बन डजंट रिलीज द एसिड इलेक्ट्रॉन, we know that this is 4- not releasing, we are adding my dear, we are adding electron my dear, adding, we are adding 4- means you are adding electron, just suppose, just dekho dhyan se, abhi main batane wala tha, dekho dhyan se aapne kya kiya hai, suppose ek element hai a, to agar aapko electron hatana hai, ionize karna hai, to aapko energy dena hoga ya release karega, jaldi batao, process will be exothermic ya endothermic, tell me, whenever you are removing an electron, so you have to apply energy, मतलब आपको सप्लाई करना पड़ेगा या रिलीज होगा, जल्दी बताओ, एनर्जी विल रिलीज और मतलब आपको देना होगा, सप्लाई करना पड़ेगा, जल्दी बताओ सर, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी, सो वी नीड टू सप्लाई, व्हाई बिकॉज़ वी हैव टू ब्रेक अट्रैक्शन फोर्स, वी हैव टू ब्रेक अट्रैक्शन फोर्स बिकॉज़ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, सो एनर्जी विल बी हियर पॉजिटिव, एनर्जी विल बी पॉजिटिव मतलब एनर्जी आपको देना पड़ेगा एंडोथर्मिक, क्या होगा, दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन,
एंड जस्ट सपोज वी आर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो इन जनरल क्या होगा? इन जनरल आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, इन जनरल एनर्जी इंक्रीज मतलब एनर्जी लिबरेट होगा या देना होगा, एनर्जी लिबरेट करेगा या देना होगा, एनर्जी विल रिलीज, क्यों रिलीज होगा मेरे को बताओ, इसका रीजन क्या है? इससे न्यूक्लियस से प्यार हो जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो न्यूक्लियस इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, इन्फैक्चुएशन हो जाएगा, आपके टीनेजर के वर्ड में बोलेंगे के. तो ये क्या हो जाएगा, अगर अट्रैक्शन हो जाएगा तो एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस, एनर्जी विल रिलीज, सो डेल्टा एच विल बी निगेटिव एनर्जी, डेल्टा एच मतलब एनर्जी, इनथैल्पी इसको बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इनथैल्पी, ओके. और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जनरली यू हैव टू गिव एनर्जी, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? तो आई एम सेइंग C4 माइनस, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया माय डियर. वी कैन ऐड, देखो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, देखो फर्स्ट ऑर्बिट, बट हाउ वी कैन ऐड 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ नाइदर 4 प्रोटॉन कैन हैंडल दिस 10 इलेक्ट्रॉन्स. नो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द स्टेबिलिटी पार्ट, डोंट थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी पार्ट, डोंट वरी. We are not saying about the stability. We are just thinking about the size. Don't worry. We are just thinking about the size. You are adding an electron in outer mode. Just suppose initially carbon ke paas kya tha? Tumhara 2.4 tha. Okay. So now you are second orbit mein maximum kitna electron ho sakta hai? Second orbit mein maximum 8 electron ho sakta hai. So it can accommodate 4 more electron. डोंट वरी, आप ऑक्टेट रूल चेंज नहीं कर रहे हो, आप मतलब आप जो देखो फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. सो डोंट वरी, यू हैव लाइक चांस टू एड इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन एड कर सकते हो, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन एड मतलब 8 तक पहुंचने का टेंडेंसी है. डोंट वरी, वो मत सोचो, स्टेबिलिटी के बारे में मत सोचो. ओके, क्लियर है? हाँ, इफ यू आर सेइंग दैट इज इट पॉसिबल और नॉट, सो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, बिकॉज second orbit can accommodate 8 electron or initially neutral carbon is having 4 electron, so definitely you can add 4 extra electron, that is not big deal, don't worry. Okay, clear hai sabko? Jaldi batao, clear hai? Clear yes, hai sir. Okay, so yes, ye question JEE mains 2000 tumhara 20 mein aaya hua hai, so kuch bhi tough nahi hai. आपको मैंने पूरा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज के बारे में बता दिया. मेरे को एक और एग्जांपल बताओ जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा. लेट्स से मान लो मैग्नीशियम मैग्नीज है, Mn2+ है, Mn+ है, मैंने किसका बड़ा साइज होगा, जल्दी बोलो किसका सबसे बड़ा साइज, विच वन लाइक विच हैज ग्रेटर साइज, जल्दी बताओ विच हैज ग्रेटर साइज, विच हैज ग्रेटर साइज, जल्दी बताओ विच हैज ग्रेटर साइज. Mn+2 ना, Mn+2 Mn+2 is greater than Mn++. So reason, जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा मतलब साइज डिक्रीज या इंक्रीज, जल्दी बोलो साइज डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज ना. अरे हाँ सोचो ना भाई, आराम को सोचो ना, मोर पॉजिटिव चार्ज, सो यू आर नॉट चेंजिंग प्रोटोन, you are decreasing electrons, so their defective will increase. So size will decrease. Got it? Clear है? चलो. तो देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया. अब देखो इस टाइप से हम आपको स्टडी मॉड्यूल देते हैं. You can see in the camera. In this way we provide a study material that is totally developed by Kota Rajasthan faculties. In fact मैं भी Kota alumni रह चुका हूँ और मेरी भी JEE में बहुत अच्छी marks थी. और मेरे बारे में आप और वेबसाइट वगैरह पे रीड कर सकते हो. और खैर दिस इज यू नो मतलब फर्स्ट क्लास, सो आई कांट से मोर अबाउट कि मतलब आपको लगे कि सिर्फ प्रमोशन, तो इसलिए आप आराम से जाके देख सकते हैं कि IIT में हम लोग ने कितने अच्छे रैंक वगैरह दिए हैं, मेडिकल में कितने रैंक वगैरह दिए हैं. और हम लोग काफी 1-to-1 केयर के साथ बिलीव करते हैं, मतलब तुम्हें लगेगा कि समवन इज वॉचिंग यू, समवन इज यू नो कोऑर्डिनेटिंग विथ यू वेदर यू आर डूइंग होमवर्क और नॉट, आपको लगातार मोटिवेट करते हैं. सो रियल ऑनलाइन टाइप मतलब ऑनलाइन क्लासेस आपको फील लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार मतलब कोई बोल रहा है हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो वी विल ट्राई, उसके बाद भी अगर आप मौन रहोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस केस में, बट वी विल, हम लोग हमेशा अच्छा ट्राई करते हैं बच्चों के लिए जितना हो सकता है. सो फ्रॉम माई साइड This is end. आप देख लो अच्छे से, आप अच्छे से जो डाउट वगैरह होंगे और भेज देना, DPP में आपको दे दूंगा. डेली प्रैक्टिस पेपर हम लोग को मिलता, हम लोग देते हैं बच्चों को, जैसे कोटा में मिलता है तो आपको मिल जाएगा. आप देखोगे जो हम आपको पढ़ाएंगे उसी टाइप का क्वेश्चन आपको JEE और NEET में सिमिलर दिखेगा.
और मॉड्यूल के अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन हैं. सो दिस इज फ्रॉम माई साइड. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है. थैंक यू. कोई क्वेश्चन है तो बताओ.